नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2017 में थर्ड रिफंड लिस्ट जारी कर दी गई है एवं इसी के साथ में मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 में RMC सर्टिफिकेट, नए आवेदन एवं परीक्षा तिथि के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें RUHS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2017 रिफंड LOT थर्ड एंड नोटिस रिगार्डिंग मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे RUHS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2017 के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, DOB एंड पोस्ट नेम एंड रजिस्ट्रेशन फीस के संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। तो LOT थर्ड जारी कर दी गई है, LOT फर्स्ट और LOT टू इसे पूर्व जारी की जा चुकी है। इस PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। कुल अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ 500 जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है। अब बात करेंगे हम सेकंड नोटिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 के संदर्भ में। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्लिक टू डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 9814 दिनांक 14/9/2020 के तहत दिनांक 13/10/2020 को आयोजित ऑनलाइन भर्ती परीक्षा को प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल की बैठक 15/10/2020 की पालना में निरस्त करते हुए उक्त भर्ती परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से दिनांक 26/10/2020 को पुनः आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि भर्ती परीक्षा जिसे 13/10/2020 को लिया गया था निरस्त किया जा चुका है। 15/10/2020 को बैठक हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि ये भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी और इसकी परीक्षा तिथि 26/10/2020 निर्धारित कर दी गई है। अर्थात परीक्षा 26 अक्टूबर 2020 को होगी और ऑफलाइन मोड में होगी। उक्त भर्ती हेतु पूर्व में अर्हता तिथि दिनांक 12/7/2020 एवं 13/10/2020 तक पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है उन्हें अब आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में RMC सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है वे उन्हें स्थायी RMC सर्टिफिकेट 29/10/2020 तक अपलोड करना आवश्यक होगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने स्थायी RMC सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उन्हें एक मौका दिया गया है, 29/10/2020 तक वे अपलोड कर सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2020 के लिए पात्रता रखने वाले शेष अभ्यर्थियों से अर्हता तिथि परीक्षा तिथि दिनांक 26/10/2020 के मध्य नज़र रखते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर 26/10/2020 तक ऑनलाइन जो आवेदन है वो कर सकते हैं।
चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र संबंधी सूचना व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि एक बार पुनः ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, इसके लिए जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु जिन विद्यार्थियों ने स्थायी आरएमसी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है उन्हें 29/10/2020 तक का समय दिया गया है अपलोड करने का। फॉर ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर टू अपलोड परमानेंट आरएमसी रजिस्ट्रेशन। आरएमसी रजिस्ट्रेशन अपलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहां पर रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन होंगे और आसानी से जो आरएमसी सर्टिफिकेट है अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में क्लिक हियर टू अपलोड परमानेंट आरएमसी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहाँ पर हमें कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, DOB और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो आगे की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, जहां पर हमें अपना जो आरएमसी सर्टिफिकेट है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।